Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can't tear away. Shoot me down to fire, put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't. शैली मुल्तानी, ठीक है भाई। लाडी लाडी मुल्तानी, शानी करम मुल्तानी, करम मुल्तानी, सरबजीत सिंह, बिट्टू सिंह, बिट्टू सिंह, रंजीत सिंह, बंटी बंटी। सामान हमने ले लिया, बारबेक्यू भी ले लिया और सब सामान तैयार किया हुआ। चिकन तैयार किया हुआ, बकरा तैयार किया हुआ, कोले हैं, ठंडे हैं और नैपकिन है और हमारे अंडरवियर नहाने के लिए, तौलिया तालिया, जो टोपी, अपना जो भी पर्सनल सामान है वो सब आ गया। इस गाड़ी में क्या है? इस गाड़ी में हमारे रोटियां खाने के लिए, जो वहाँ पे जाके सेके खाएंगे, और कोला है और नमकीन है और कोला है। और इसके बाद आज हमने इसमें, पिछली बार हम ये नहीं लेके गए थे, आज हमने ये खरीदा है और इसमें डाल के हम सेकेंगे तंदूर को। पिछली बार हम चिमटा भी बोल गए थे, पिछली बार हम चप्पलें भी बोल गए थे, चप्पली चप्पलें लेके जा रहे। करी दी केर पूरी बाबे दी है मेर, जद जोती थले रखे दुनिया, जद जोती थले रखे दुनिया, जंदना मारे करते ना पहलनी, अनखा ना जोना लाइफ स्टाइल नी, दिल पे ना मारे करते ना पहलनी, अनखा ना जोना लाइफ स्टाइल नी। अखा सावे खड़ा मैनू देख फुकरे, 911 कर दिंदे डैल नी, खुले शेरा वांगू अज आउंदे जिंदगी, असी अपनी राह चुनिया। करी दी केर पूरी बाबे दी है मेर, जत युक्ति थले रखे दुनिया, रखा दुनिया। हाँ इन्हां दा कसूर है, मेरी कामयाबी हत्था च इन्हां दी बहुत दूर है, जेड़े हसदे सी पहला मैं उन्हां ते हसा, यही दस्तूर है। ओके बाबा दी दुनिया इस सारी, सामने दे यार पिछे दी गद्दारी, झूठे जे वादे ते पैसे दी बीमारी, पल्ले ना कख ते बनदे शिकारी। हां बापू कहंदा सी सिद्धू तू भी दे दे जवाब, इना वड्डा बन जावी कि करान फोटो तेरी हेक दी आवाज वजे कन्ना ची आके जिवे शेर दी दहार। हो बापू मेरा कहंदा हुंदा गल इक नी, उंजी ए लोक ना किसे दे मितनी, बापू मेरा कहंदा हुंदा गल इक नी, उंजी ए लोक ना किसे दे मितनी। होना चाहिदा ए खून विच जज्बा, कोई चीज औखी नहीं हुई थे जितनी, सच्चे दिलों सब दी सपोर्ट करिए ना कदे गलत बेउंता बुनिया। करी दी केर पूरी बाबे दी है मेर, जत युक्ति थले रखे दुनिया, करी दी केर पूरी बाबे दी है मेर, जत युक्ति थले रखे दुनिया। ब्लॉगिंग हो रही है और सब भाई लोग जुड़े हुए हैं और मिलिए झरने पे आए हुए हैं। और ये है शंटी सिंह, शंटी सिंह करम, और यहाँ पे बहुत भीड़ हो रखी है और फोटो खिंचाने का टाइम कोई नहीं दे रहा। और अभी हम लोग पहुंच गए वाटरफॉल और ये सारे दोस्त मेरे साथ हैं। और हाँ भैया कुछ बोलना चाहोगे? हाँ इधर आकर हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा इधर का वेदर, आप देखोगे पीछे झरना कितना अच्छा है। ऐसी चीज़ों को हमें एंजॉय करना चाहिए। और प्रिंस किधर गया भाई? लाडी बहुत अच्छा है, हाँ इन्वायरमेंट बहुत अच्छा भाई, क्लाइमेट तो भाई पूछो ही ना, वही लास्ट टाइम वाला जो क्लाइमेट जो तुमने बोला था। सब लोग आए हुए हैं, हाँ और बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, हाँ जैसे जुनेद, जैसे प्रिंस जिसको गांव में लड्डू, जैसे सरजीत और जैसे शैली, शैली के बाल देखे हैं, बाल रंग करके आया है और आज स्पेशल बाल रंग किया है। और जुनेद भाई दिखा दो, और पीछे बंदे को धक्का मार दिया, महंगा पड़ जाएगा। और वो पानी के पास जा रहे हैं। और ये है पीछे वो वाटरफॉल जो कि जापान की 3 नंबर पे आता है। और बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, इसको मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा कि इस तरह से है कुछ हिसाब किताब यहाँ पर। और काफ़ी सारे लोग यहाँ से ऊपर से खड़े होकर नीचे का व्यू देखते हैं। सब हम यहाँ से जाएंगे अपने मुल्कों में तो हमारे को यार ये चीज़ एक यादगार होगी, मतलब हाँ मिसिंग दिस प्लेस, विल मिस दिस प्लेस। बहुत बड़े बड़े वाटरफॉल हैं दुनिया में आपको पता है, लेकिन ये भी एक वाटरफॉल है, इसको स्पेशली हम देखने आए हैं। और काफ़ी हमने सफ़र किया है, बहुत पहाड़ों में हमने गाड़ी चलाई है और इस टाइम लग रही है। और दोस्तों समर का टाइम है जिसकी वजह से काफ़ी रश है यहाँ पर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ आ रहे हैं। अभी और हॉलीडेज़ चल रही हैं इसीलिए, और हम अभी हमारी हॉलीडेज़ भी चल रही हैं। अच्छी जगह है यहाँ पर, मतलब वेंडिंग मशीन है, रेस्टोरेंट हैं और खाने पीने की जगह है। हर तरह की सहूलत दी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ पर नहीं है, हर चीज़ है मतलब यहाँ पर ना। और चलो दोस्तों, जापान के नज़ारे आप सब लोग भी ले सकते हैं। जो लोग जापान में हैं उनको सिर्फ डेट अरेंज करनी है, और जो लोग पाकिस्तान और इंडिया में हैं उनको सिर्फ वीज़ा अप्लाई करना है। तो ज़्यादा सोचें मत, ज़्यादा एक्शन लें तो जाके वीज़ा मिलेगा। बोलने को कुछ बचा ही नहीं है, इतना जो ना स्वाद है पानी में। सारी गर्मी खत्म हो गई है। बहुत बड़ी नदी है ये, और हम नहा रहे हैं। आप व्यू देखो इधर का, फिर आप बताना कि कैसे मजा है। पहाड़ों के बीच में, पानी के बीच में यार, बेलिनार में रह। मैं कहता हूँ हर आदमी को इधर आने का ट्राई करना चाहिए। ये जगह कौन सी जगह है? ये है किगुन वाटरफॉल। और वाटरफॉल तो खैर ऊपर पहाड़ों में, हम लोग जो पहाड़ों से पानी आ रहा है उसके अंदर है अभी उसके अंदर है। और वहाँ पे सामने लोग किश्तियों में जा रहे हैं, और साइड में हम लोग का बारबेक्यू का सिस्टम चल रहा है। बाकी दोस्त वहाँ पर बैठे हैं, दिखा सकते हो आप, वहाँ पे बैठे हैं दोस्त लोग। हाय हेलो कर दो। हाँ, हाय हेलो कर दिया है। और हुआ ये है कि भाई तैरने की इतनी खुशी थी कि पत्थर पे नीचे मेरा पाँव लगा है और घुटना लगा है, और ये देखो जख्मी हो गया। यहाँ पर लग रहा है बहुत खतरनाक चीज है, पानी के अंदर पत्थर है, बड़ा मुश्किल बहुत पत्थर आता है। और ये नहाने में, और थोड़ा सा टिश्यू रख के इस कॉल की स्टेप करी है। पानी के अंदर पत्थर था और उससे मेरा पाँव लगा है और पाँव थोड़ा सा ज़ख्मी हो गया। दोस्तों खाना खा लिया है, नहा लिया है, वाटरफॉल भी देख लिया है, व्यू भी, नज़ारे भी देख लिए हैं, और बहुत सारा एंजॉय भी कर लिया है। तो अब बारी है घर जाने की। हम सब बैकअप कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं और चलते हैं घर। आ गए 7-Eleven कॉफ़ी पीने, और सारे हम जो है ना। कैसे बनाते हो कॉफ़ी इधर जापान में, आप थोड़ा सा बताओ ना। ये कोड मैं कॉफ़ी बता देता हूँ। बस कॉफ़ी ये कप यहाँ रख के दबानी है जो भी आपको चाहिए, उसके बाद आपको अलग से ना ये इसमें डालनी होती है। अच्छा, दूध डालना होता है, ठीक है सर, और शुगर डालना होता है, ठीक है। और ड्राइविंग करके थक गए हैं, थकने के बाद नींद आ रही है, तो सोचा कि यार कॉफ़ी पी जाए, तो इसलिए अब हम कॉफ़ी पी रहे हैं। और प्रिंस कुछ बोलना। और मुझे आइस कॉफ़ी बना रहे दो। वापसी घर जाने के लिए 3 घंटे ड्राइव करनी है, जिसमें से अभी तक 1 घंटे ड्राइव करी है। और एक नहर पे हम लोगों ने स्टे किया है, रुके हुए, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। मेरे दोस्त दरख्त साइड में कर रहे हैं। ये दरख्त मुझे काफ़ी करीब आने के बाद नज़र आया और ब्रेक टाइम पे लग गई जिसकी वजह से एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो दोस्तों ये थी आज का ब्लॉग और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।